बेअंत कौर अते लवप्रीत दे मामले नूं काफ़ी समा हो चुकिया है। इस मामले दे विच उम्मीद की जा रही सी कि जल्द तो जल्द लवप्रीत दे परिवारिक मैंबरां नूं इंसाफ मिलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आउण तों बाद ही लग रहा सी कि हुण परचा दर्ज हो चुकिया है। जल्द ही बेअंत कौर दा इस मामले नूं लैके बयान भी सामने आवेगा, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे विच जो कुछ आया उस तों बाद बेअंत कौर दे वल्लों ना ही उन्हां दे परिवारिक मैंबरां दे वल्लों कोई भी गलबात सामने रखी गई। दस दिए कि कई गल्लां नूं लैके बेअंत कौर इस मामले दे विच घिरदी नज़र आउंदी है। एप्लीकेशन दे विच जो उसने झूठ बोलिया सी उसनूं ओह झुठला नहीं सकदी, इह कहना है लवप्रीत लाडी दे वकील दा। कनेडा वाले वकील दे वल्लों लगातार यही कहा जा रहा है कि जल्द तो जल्द उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा। मापिया दे पैसे नहीं लगे हुए सन बेअंत कौर दे, सगों एक अननोन परसन दे पैसे लगे सन, यानी कि लवप्रीत लाडी दे पिता जी जदों उन्हां दा व्याह तक नहीं होया सी उन्हां दे वल्लों ही सारे पैसे लगाए गए सन। जदों कि कागजात दे विच बेअंत कौर दे वल्लों यह झूठ लिखवाया गया कि सारे पैसे उसके पिता जी दे वल्लों लगाए गए ने। देखा जाए तो काफ़ी सारिया इंटरव्यूज़ दे विच मापियां दे वल्लों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पैसे सोहरियां दे वल्लों लगाए गए, यानी कि लवप्रीत दे परिवारिक मैंबरां दे वल्लों। इस बारे कनेडा वाले वकील का कहना सी कि यह सारी वीडियो उस इंटरव्यू की वीडियो साढ़े कोल है जिस दे विच साफ तौर पर मापियां दे वल्लों इस गल नूं कबूल किया गया। वीज़ा नहीं मिल सकता सी जेकर सच पता हुंदा, जिहड़े भी फाइलां लगाउण वाले सारे एप्लीकेशन रिसीव करन वाले अधिकारी हुंदे ने, यह भी कहा गया वकील दे वल्लों। फंड पोरों नहीं दसे गए सन, बेअंत कौर दे वल्लों झूठ बोलिया गया सी कि यह पैसे मापियां ने लगाए ने। जे फॉर्म हुंदा जिहड़ा कि आड़तियां तों मिलदा है उहदी भी जिक्र इस दे विच नहीं कीता गया। चैलेंज करन वालियां दे मुंह बंद हो जाणगे, इह कहना सी वकील साहब दा, क्योंकि इस मामले नूं लैके हुण उह खुद जाके कनेडियन एमपीज दे नाल मुलाकात करनगे अते पुछगिछ करनगे, अपडेट मंगणगे इस मामले बारे कि आखिरकार इस केस दे विच हुण तक चल की रहा है। उन्हां दा कहना सी कि इस मामले दे विच देरी इस करके हुई है क्योंकि कोविड दा समां चल रहा है। कोविड करके आम जड़े हालात ने वो भी काफ़ी नाजुक बने हुए ने। जेकर किसी ने चहल पहल भी करनी है कि आना जाना है तो उस दे विच भी काफ़ी देरी लग जाती है। तो अजिहे मामले दे विच कोविड करके अजिहे मामले दे विच ज़्यादा समा लगना बिल्कुल सुभाविक ही है। केस की अपडेट जल्दी थोड़े सब के सामने आएगी, पर एक बार फिर तो लाडी के वकीलों के वलों यह वादा किया गया कि बेअंत कौर का रिमूवल पक्का होगा। बेअंत कौर अते लवप्रीत दे मामले नूं काफ़ी समा हो चुकिया है। इस मामले दे विच उम्मीद कीती जा रही सी कि जल्द तो जल्द लवप्रीत दे परिवारिक मैंबरां नूं इंसाफ मिलेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आउण तों बाद ही लग रहा सी कि हुण परचा दर्ज हो चुकिया है। जल्द ही बेअंत कौर दा इस मामले नूं लैके बयान भी सामने आवेगा, पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे विच जो कुछ आया उस तों बाद बेअंत कौर दे वल्लों ना ही उन्हां दे परिवारिक मैंबरां दे वल्लों कोई भी गलबात सामने रखी गई। दस दिए कि कई गल्लां नूं लैके बेअंत कौर इस मामले दे विच घिरदी नज़र आउंदी है। एप्लीकेशन दे विच जो उसने झूठ बोलिया सी उसनूं ओह झुठला नहीं सकदी, इह कहना है लवप्रीत लाडी दे वकील दा। कनेडा वाले वकील दे वल्लों लगातार यही कहा जा रहा है कि जल्द तो जल्द उन्हां नूं इंसाफ मिलेगा। मापियां दे पैसे नहीं लगे हुए सन बेअंत कौर दे, सगों एक अननोन परसन दे पैसे लगे सन, यानी कि लवप्रीत लाडी दे पिता जी जदों उन्हां दा व्याह तक नहीं होया सी उन्हां दे वल्लों ही सारे पैसे लगाए गए सन। जदों कि कागजात दे विच बेअंत कौर दे वल्लों यह झूठ लिखवाया गया कि सारे पैसे उसके पिता जी दे वल्लों लगाए गए ने। देखा जाए तो काफ़ी सारिया इंटरव्यूज़ दे विच मापियां दे वल्लों साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पैसे सोहरियां दे वल्लों लगाए गए, यानी कि लवप्रीत दे परिवारिक मैंबरां दे वल्लों। इस बारे कनेडा वाले वकील का कहना सी कि यह सारी वीडियो उस इंटरव्यू की वीडियो साढ़े कोल है जिस दे विच साफ तौर पर मापियां दे वल्लों इस गल नूं कबूल किया गया। वीज़ा नहीं मिल सकता सी जेकर सच पता हुंदा, जिहड़े भी फाइलां लगाउण वाले सारे एप्लीकेशन रिसीव करन वाले अधिकारी हुंदे ने, यह भी कहा गया वकील दे वल्लों। फंड पोरों नहीं दसे गए सन, बेअंत कौर दे वल्लों झूठ बोलिया गया सी कि यह पैसे मापियां ने लगाए ने। जे फॉर्म हुंदा जिहड़ा कि आड़तियां तों मिलदा है उहदी भी जिक्र इस दे विच नहीं कीता गया। चैलेंज करन वालियां दे मुंह बंद हो जाणगे, इह कहना सी वकील साहब दा, क्योंकि इस मामले नूं लैके हुण उह खुद
जाके कनेडियन एमपीज दे नाल मुलाकात करेंगे अते पुछगिछ करेंगे, अपडेट मंगेंगे इस मामले बारे कि आखिरकार इस केस दे विच हुण तक चल की रहा है। उन्हां दा कहना सी कि इस मामले दे विच देरी इस करके हुई है क्योंकि कोविड दा समा चल रहा है। कोविड करके आम जड़े हालात ने वो भी काफ़ी नाजुक बने हुए ने। जेकर किसी ने चहल पहल भी करनी है कि आना जाना है तो उस दे विच भी काफ़ी देरी लग जाती है। तो अजिहे मामले दे विच कोविड करके अजिहे मामले दे विच ज़्यादा समा लगना बिल्कुल सुभाविक ही है। केस की अपडेट जल्दी थोड़े सब के सामने आएगी। पर एक बार फिर तो लाडी के वकीलों के वलों यह वादा किया गया कि बेअंत कौर का रिमूवल पक्का होगा। इस बारे कनेडा वाले वकील का कहना सी कि ये सारी वीडियो उस इंटरव्यू की वीडियो साढ़े कोल है जिस दे विच साफ तौर पर मापियां दे वल्लों इस गल नूं कबूल किया गया। वीज़ा नहीं मिल सकता सी जेकर सच पता हुंदा, जिहड़े भी फाइलां लगाने वाले सारे एप्लीकेशन रिसीव करने वाले अधिकारी हुंदे ने, यह भी कहा गया वकील दे वल्लों। फंड पोरों नहीं दसे गए सन, बेअंत कौर दे वल्लों झूठ बोलिया गया सी कि यह पैसे मापियां ने लगाए ने। जे फॉर्म हुंदा है जिहड़ा कि आड़तियां तो मिलता है उहदी भी जिक्र इस दे विच नहीं किया गया। चैलेंज करन वालियां दे मूँह बंद हो जाएंगे, ये कहना सी वकील साहब का, क्योंकि इस मामले नूं लैके हुण उह खुद जाके कनेडियन एमपीज दे नाल मुलाकात करनगे अते पुछगिछ करनगे, अपडेट मंगनगे इस मामले बारे कि आखिरकार इस केस दे विच हुण तक चल की रहा है। उन्हां दा कहना सी कि इस मामले दे विच देरी इस करके हुई है क्योंकि कोविड दा समा चल रहा है। कोविड करके आम जड़े हालात ने वो भी काफ़ी नाजुक बने हुए ने। जेकर किसी ने चहल पहल भी करनी है कि आना जाना है तो उस दे विच भी काफ़ी देरी लग जाती है। तो अजिहे मामले दे विच कोविड करके अजिहे मामले दे विच ज़्यादा समा लगना बिल्कुल सुभाविक ही है। केस की अपडेट जल्दी थोड़े सब के सामने आएगी। पर एक बार फिर तो लाडी के वकीलों के वलों यह वादा किया गया कि बेअंत कौर का रिमूवल पक्का होगा। Okay.